हेलो फ्रेंड्स, तो आज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था, एक सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं वो सीक्रेट क्या है। आज बहुत गर्मी है और गर्मी से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, तो काफ़ी तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। खैर, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि वो सीक्रेट क्या है। उससे पहले मैं अपनी बर्ड की पोजिशन आपको दिखाना चाहूँगा। चलते हैं बर्ड की केज की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे बर्ड की पोजीशन देख सकते हैं, सबके सब कितने, देखिए सबके सब मस्त हैं और सबके सब चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। क्यों, आपको क्या लग रहा है, कोई प्रॉब्लम दिख रही है आपको इसमें? नहीं, अच्छी तरह देखिएगा, है कोई प्रॉब्लम? नहीं। नहीं है ना। अब आप पूछ रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं। तो जो सीक्रेट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उस सीक्रेट के पीछे यही एक कारण है कि आईएएस बर्ड्स मस्त है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया, मेडिसिन के ऊपर निर्भर न रहकर, जैसा कि मैंने अपने जो वीडियोस मैंने मेडिसिन के ऊपर बनाए हैं आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें भी मैंने बार बार एक ही बात कही है कि मेडिसिन का यूज आप कम से कम कीजिए। आप उतना ही यूज कीजिए जितनी जरूरत हो, वरना मत कीजिएगा। ज्यादातर आप चीजें नेचुरल यूज कीजिए, नेचुरली ज्यादा यूज कीजिए, जैसे नीम हुआ, तुलसी हुई और दूसरे जो साग सब्जी होते हैं, तो पुदीना वगैरह, वो सब यूज कीजिए तो इनको ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, कैल्शियम के लिए मैं इनको उबले चावल तो देता ही हूँ रेगुलरली, और बीच में केवल थोड़े दिन पहले, कभी अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने इनको ऑस्टावेट दिया है, जो क्योंकि आने वाले सीजन, अभी बहुत जल्दी ब्रीडिंग का सीजन शुरू हो रहा है और बहुत जल्दी मैं इसमें मटेरियल लगाने वाला हूँ, तो ब्रीडिंग के सीजन में वो ऑस्टावेट देना जरूरी होता है। तो ऑस्टावेट से क्या होता है कि इनके पर मजबूत होते हैं, ठीक है, इनके एग के सेल मजबूत होते हैं, जिससे इनको काफी फायदा मिलता है कैल्शियम के कारण, कैल्शियम और आयरन के कारण, विटामिन D3 भी उसमें होता है, तो हम वो दे सकते हैं। किंतु आप चाहें कि किसी मरते हुए बर्ड्स को आप मेडिसिन देके बचा लेंगे, ये पूरी तरह झूठ है। क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि आप मरते हुए बर्ड्स को, जो बर्ड्स बिल्कुल मरने की कगार में है, जो बर्ड्स बिल्कुल बीमार, जो बर्ड्स बीमार हो चुका है, उस बर्ड्स को आप ये वाली दवाई दीजिए, आप वो वाली दवाई दीजिए, जिससे वो जी उठेंगे या मरेंगे नहीं। किंतु ऐसा संभव नहीं है। बहुत रेयर केस में होता है कि कोई बर्ड्स के ऊपर वो मेडिसिन काम कर जाए, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। इसलिए मेडिसिन का कम से कम यूज कीजिए, क्योंकि आप बर्ड्स किया, आप बर्ड्स हो चाहे इंसान हो, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है या कोई बर्ड या पशु पक्षी बीमार होता है, तो वो खुद से मेडिसिन नहीं लेता। इंसान के केस में क्या होता है कि हम में से कोई उनको जबरदस्ती दवाई पिला देता है या खिला देता है, किंतु बर्ड्स के केस में ये करना बहुत मुश्किल है, बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वही कईयों को पता ही नहीं है कि उसको कैसे मेडिसिन दिया जाए। उसके गले में नली डाल के तो कोई हर कोई खिला नहीं सकता ना, तो उनके पानी में दे दिया जाता है। तो बर्ड जो हिल ही नहीं पा रहा, जो वो आ ही नहीं पा रहा, जो हिल नहीं रहा, तो वो पानी कैसे पिएगा, ठीक है। अगर वो, और उसके बाद भी बहुत कम चांसेस होता है कि वो मेडिसिन उनके ऊपर काम करे। इसलिए दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों की यूज कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो सीक्रेट यही है कि पिछले 7 महीने से मैंने किसी भी तरह का कोई मेडिसिन यूज नहीं किया। उसके बाद भी मेरे सारे बर्ड्स आपके सामने हैं और सबके सब मस्त एंड चुस्त एंड दुरुस्त है। बस इतना, यही सीक्रेट आज मेरे को आपके साथ शेयर करना था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही करूंगा, तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सेफ रहें और उससे भी ज्यादा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।